सूरज हमारे सोलर सिस्टम का दिल है और पृथ्वी का सबसे नजदीकी स्टार। सूरज हर सेकंड करोड़ों एटॉमिक धमाके जितनी एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन हम सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर दूर होने की वजह से आसमान में हमें धमाके देखने को नहीं मिलते, लेकिन हम उस धमाकों से निकलने वाली रोशनी के सहारे अब तक सरवाइव कर पा रहे हैं और करते भी रहेंगे। लेकिन क्या होगा जब जीवन देने वाली रोशनी का सोर्स सूरज आसमान से गायब हो जाएगा? हम इस बार आपको बताने वाले हैं कि क्या होगा अगर आज सूरज अचानक से गायब हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि आप इस टॉपिक पर खुद के अजम्पशन लेना शुरू कर दे, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो अब देखते हैं कि क्या होगा अगर सूरज गायब हो जाता है तो। लेकिन उससे पहले हम आपको सूरज के बारे में कुछ फैक्ट्स बताने वाले हैं। सूरज का वजन हमारे पृथ्वी से 3,30,000 गुना ज्यादा है और हमारे 460 करोड़ साल के सूरज में इतनी क्षमता है कि वो अगले 550 करोड़ साल तक हमारे पृथ्वी को रोशनी दे सकता है। लेकिन क्या होगा जब अचानक से सूरज गायब हो जाएगा? आपको जानकर शॉक लगेगा कि सूरज गायब होने के अगले 8 मिनट तक हमें कुछ भी पता भी नहीं चलेगा। ऐसा रोशनी की रफ्तार के वजह से होगा। आप सबको पता ही होगा कि रोशनी की रफ्तार 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसलिए रोशनी को सूरज से पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। और ऐसा ग्रेविटी के साथ भी होगा जिसकी रफ्तार रोशनी जितनी है। सूरज की ग्रेविटी गायब होने की वजह से पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूम नहीं पाएंगे और हमारा ग्रह सीधे दिशा में जाकर इस सोलर सिस्टम से बाहर निकलकर पूरे मिल्की वे में कहीं पर भी चला जाएगा। इतना होने के बाद तो अंधेरे का सवाल ही नहीं है। लोगों को कुछ समझ आने से पहले वो परेशान होकर दहशत, दंगा, लूटपाट जैसी चीजें करना शुरू कर देंगे। फिर भी हम कुछ समय के लिए फॉसिल फ्यूल और पावर प्लांट से मिलने वाले थोड़े से इलेक्ट्रिसिटी पर अपना गुजारा कर सकते हैं। लेकिन प्लांट लाइफ मतलब पेड़ पौधे के लिए ये जीवन इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही सूरज गायब हो जाएगा उनमें होने वाली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी बंद हो जाएगी। इस प्रोसेस में पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके हमारे लिए वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन प्लैनेट लाइफ तबाह होने की वजह से वातावरण में स्थित ऑक्सीजन कम हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन हमारे लिए अर्जेंट नहीं है, क्योंकि हमारे वातावरण में स्थित ऑक्सीजन को पूरी तरह से खत्म होने के लिए हजारों सालों का समय लग जाएगा। लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं होने की वजह से कुछ दिन और ज्यादा से ज्यादा कुछ हफ्तों में ही सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे और अंधेरा होने के अलावा हमारे पृथ्वी का तापमान बहुत ही कम हो जाएगा। अगर हम अभी के पृथ्वी का टेम्परेचर निकालते हैं तो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 57 डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन सूरज गायब होने की कुछ हफ्ते बाद ही वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे चला आएगा। इस टेम्परेचर पर पानी जम जाता है, लेकिन एक साल बाद ही टेम्परेचर -100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर चला जाएगा। इस टेम्परेचर पर इंसान और जानवरों के लिए जमीन पर रहना नामुमकिन हो जाएगा। ठंडी में जमने के अलावा कम हो जा रहे जानवर और पेड़ पौधे की वजह से हमारे लिए खाना भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, और तब तक धरती पर के सारे महासागर ठंडी से जमकर पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक जाएगी। लेकिन पृथ्वी पर के हर हिस्से में ये हाल नहीं होगा। पृथ्वी के कुछ हिस्सों में जहाँ जियोथर्मल हीट लीक हो रही है, जैसे कि एक्टिव ज्वालामुखी या फिर हॉट स्प्रिंग जैसी जगहों पर, हमें इतनी गर्मी तो मिल ही सकती है कि हम वहाँ पे जिंदा बच पाए। ऐसी कुछ जगह है और पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स वाली जगह जैसे कि कैलिफोर्निया और येलोस्टोन पार्क में स्थित गर्म पानी के झरने और हवाई और आयरलैंड में स्थित ज्वालामुखी वाले जगहों पर जीवन संभव हो सकता है। टेक्टोनिक प्लेट के पास इतनी हीट इसलिए बनती है क्योंकि जब पृथ्वी बन रही थी तो वहाँ बहुत ही ज्यादा मास कंप्रेस हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का कोर लिक्विड है, जो इतनी हीट पैदा करता है कि कोर का तापमान 9000 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। उसमें से थोड़ी सी हीट ऐसी पृथ्वी के कुछ जगहों पर लीक हो जाती है। कुछ भी हो, लेकिन जो भी ऐसे जगहों के नजदीक रहेंगे वो ठंडी में जमने से तो बच ही जाएंगे, लेकिन बाकी के लोग बिना ऐसे गर्म जगह के कैसे जिंदा रहेंगे? शायद जमीन के अंदर शहर बसा के, जहाँ जियोथर्मल हीट के सोर्स से इतनी एनर्जी तो मिल ही सके कि हम जिंदा रह सके। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी जितने भी लोग जिंदा रहेंगे उन्हें सूरज नहीं रहने के एक और बुरे साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ेगा। सूरज के गायब होने के 10 साल बाद ही वातावरण में स्थित ऑक्सीजन लिक्विड में बदलना शुरू कर देगा और बाद में बर्फ में जम जाएगा। इस वजह से सांस लेना मुश्किल होकर धरती पर का जीवन खत्म हो जाएगा। उस समय पृथ्वी के एक ही हिस्से में जीवन संभव होगा, जो है बर्फ के कई किलोमीटर नीचे से समुद्र के अंदर। समुद्र के ऊपर की कई किलोमीटर छोटी बर्फ पानी को वातावरण से अलग करते रहेंगी, और समुद्र में स्थित जियोथर्मल वेंट से निकलने वाली हीट के वजह से पानी भी गर्म रहेगा।
लेकिन जो भी जीवन वहाँ संभव रहेगा वह बहुत ही छोटे रूप में संभव होगा, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बहुत ही रेयर केसेस में कुछ कीड़े और सेलफिश। ये छोटे ऑर्गेनिक जियोथर्मल वेंट से निकलने वाले गर्मी के भरोसे लाखों करोड़ों सालों तक जिंदा रह सकेंगे। इस बड़ी मुश्किल के बाद जो जीवन पृथ्वी पर जिंदा रहेगा उन्हें इतने सालों के मुश्किल और बुरी घटनाओं के बारे में कोई भी अंदाजा भी नहीं रहेगा। करोड़ों साल के बाद अब पृथ्वी मिल्की वे में लगभग 6 लाख लाइट ईयर्स का अंतर तय कर चुकी होगी और बहुत ही सारे सूरज के नजदीक से भी गुजरी होगी। लेकिन आपको क्या लगता है उनमें से कितने सूरज हमारे पृथ्वी के सरफेस पर जीवन पनपने लायक रोशनी दे पाएगा? कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलेगा। हे दोस्त, अगर आप आज कुछ नया सीखे हो तो आपको पता है कि आप स्पिरिट्स ऑफ वंडर पे थे। ऐसे अमेजिंग नॉलेज के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वह घंटी भी बजा देना ताकि हमारे साथ आपकी मुराद पूरी हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट, बाय। और कमेंट सेक्शन में कुछ जरूर लिखिएगा, आपका भाई आपको दिल देगा रे।